नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली हर ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत, अब 587 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग बैंक खाते में सब्सिडी की रकम नहीं आने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब खातों में सब्सिडी की राशि आनी शुरू हो गई है। भारत सरकार के मुताबिक इस समय झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाके झारखंड और अंडमान से रसोई गैस पर सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी फिर से बहाल करने पर विचार कर रही है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास इस बारे में एक प्रस्ताव आया है, जिस पर अभी चर्चा चल सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक जल्द ही पूरे देश में रसोई गैस पर सब्सिडी फिर से बहाल हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि आम जनता को राहत, जारी हुए पेट्रोल डीजल के नए दाम। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है, वहीं घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 25वें दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आज भी पेट्रोल का दाम जस का तस बना हुआ है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8 राज्यों में आसमान से बरसेगी आफत। आईएमडी ने 1 दिसंबर तक जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर भारत में ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 1 दिसंबर तक भारत के 8 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कृषि मंत्री बोले, भारत में अब पराली जलाना अपराध नहीं होगा। भारत में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। साथ ही उन्होंने शनिवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह किया है। पश्चिमी बंगाल में बड़ा हादसा, नादिया में शमशान घाट जा रहे 18 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में नादिया जिले में शनिवार रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। यह घटना उस समय हुई जब उत्तर 24 परगना के बगदा से शवों को लेकर 20 से अधिक लोग नवदीप शमशान घाट की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हंसखली थाना क्षेत्र के फूलबाड़ी में शव वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा घने कोहरे और वाहन की तेज रफ्तार के कारण हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। फिरोजाबाद में पारिवारिक विवाद में 2 बहनों ने खाया जहर। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में 2 बहनों ने जहर खा लिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। संत नगर में रहने वाली सुमन पत्नी खेमचंद्र और कुसुमा पत्नी विनीत दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों का एक ही परिवार में 2 सगे भाइयों के साथ ब्याह हुआ था। रविवार को पारिवारिक विवाद में दोनों बहनों ने जहर खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी होने पर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ ने बताया कि मामले को लेकर परिजनों से पूछताछ की जा रही है। एक का मायका बुलंदशहर और एक का अलीगढ़ बताया गया। मायके वालों के आने के बाद सब कुछ पता चल सकेगा। मृतक महिलाओं के पति बेलदारी किया करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम ने शीर्ष अधिकारियों संग बैठक की। जी हां, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह देश में कोरोना वायरस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम ने कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण जैसे मुद्दों की समीक्षा की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल मौजूद रहे। पीएमओ के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।